बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर इमेजिनरी रूट्स, या कम्प्लेक्स रूट भी लिख के आ सकता है, ऑफ यूनिट यूनिटी, देन प्रूव दैट अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ब्रेकेट है, कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री इंटू साइन रूट थ्री एक्स बाई टू। इतना हमको प्रूव करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे यहाँ पर। अल्फ़ा एंड बीटा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी, यहाँ पर होगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मीन्स वन का अगर हम क्यूब रूट लें तो इसकी तीन वैल्यू मिलती हैं हमें। एक वैल्यू तो वन मिलेगी जो रियल होती है, और बाकी दो वैल्यू जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इमेजिनरी वैल्यू होती हैं, उसमें इमेजिनरी पोर्शन भी होता है, उससे अल्फ़ा बीटा यहाँ पर बोला गया है। तो इन वैल्यूज़ को हमें पता होना चाहिए क्या वैल्यू होती हैं। इन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू, तो हमें याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो हमें क्या करना चाहिए कि मान लेते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको कि वन का जो क्यूब रूट है उसकी वैल्यू वाई के इक्वल है, और इस वाई की ये तीनों वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगी। तब फिर जब वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बीटा की, तो हम अपने सवाल की शुरुआत करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व शुरुआत नहीं हुई है, तो यहाँ पर वन बाई थ्री हटाने के लिए दोनों साइड क्यूब कर देंगे, यानी ये वाई क्यूब हो जाएगा, इधर क्यूब करेंगे तो ये थ्री थ्री कैंसिल होकर वन आ जाएगा। जब ट्रांसपोज कर देंगे तो वाई क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये वाई का क्यूब है, इसको वन का क्यूब कर सकते हैं वन को, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। एक ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई माइनस वन और वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन हो जाएगा इजिकल टू ज़ीरो। यहाँ से देख रहे हैं कि एक रूट हमको वाई माइनस वन बराबर जब ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू वन एक आ जाएगी, रियल रूट मिल जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें तीन में से एक मिल गया है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से यानी मिलेगी, यानी जब ये ज़ीरो के बराबर होगा तब वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस ये वैल्यू वाई हो जाएगी इजिकल टू ज़ीरो। यहाँ से देखो दो पावर का वाई में इक्वेशन है, तो वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, ये स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट कर लिया। जब हम कंपेयर करके यानी इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से ए एक्स स्क्वायर यानी वाई के फार्मूले लिख दें, तो ए वाई स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फार्म में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये श्री दराचार फार्मूला या उमर खयाम फार्मूला कहलाता है, तो इसको यहाँ पर या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। इससे हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए की वैल्यू हमारी वन है, और v की वैल्यू भी वन है, और c की वैल्यू भी वन है। तो फार्मूला y की वैल्यू के लिए ये अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए से वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस वन प्लस माइनस एंड रूट वन स्क्वायर माइनस फोर ए और c की वैल्यू वन है अपान टू इंटू वन, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस फोर अपान टू, और माइनस वन प्लस माइनस वन में से फोर माइनस करेंगे माइनस थ्री बचेगा अपान में टू। इसको वैसे भी लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन इंटू थ्री लिख सकते हैं, और रूट माइनस वन आई के कुल होता है। इस तरीके से वाई की दो वैल्यू आ गई, माइनस वन प्लस माइनस आई रूट थ्री, और एक प्लस वैल्यू जब हम लेंगे तो उस वैल्यू को अल्फ़ा बोलेंगे, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू इसको अल्फ़ा, और जब माइनस लेंगे तो दूसरा यूनिटी का यानी वन का इमेजिनरी रूट मिलेगा, क्यूब रूट मिलेगा। तो दो यहाँ हो गए, तो तीन वैल्यू इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हो गए। इनमें दो इमेजिनरी हैं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में है जो प्योरली रियल नहीं है, एक वैल्यू प्योरली रियल थी। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम अपना सवाल की शुरुआत करेंगे, यानी हमारे सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है। अब हम जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में था अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर बीटा एक्स। अगर वैल्यू याद है तो यहाँ से शुरुआत करें, नहीं तो आप शुरुआत से भी ले सकते हैं और वहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें और यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर दें। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर रहे हैं
ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपान टू और ई टू द पावर, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट करना है, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपान टू और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, बीटा की वैल्यू भी पुट कर ले, माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपान टू और ई टू द पावर होगा बीटा की वैल्यू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपान टू और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। और अपान में देख रहे हैं कि टू उसमें से हम लोग बाहर ले लेंगे बाद में, पहले तो ऊपर पावर में हम एक्स का इन दोनों अलग अलग टर्म में मल्टीप्लाई कर दें, वन बाई टू का है तो बाहर भी ले लेते हैं, वन बाई टू को बाहर ले लिया तो हमारे पास ये ब्रेकेट बचेगा माइनस वन प्लस आई रूट थ्री और ई की पावर में ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस एक्स अपान टू आ जाएगा, अलग अलग कर कर लग रहे हैं, रियल अलग कर लिया और ये अब एक्स का जब इसमें इंटू होगा तो आई रूट थ्री एक्स बाई टू इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, प्लस ये टू को हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री और ई की पावर एक्स का जब इतने वन में इंटू होगा माइनस करे तो एक्स बाई टू हो जाएगा, सेपरेट भी कर रहे हैं, ये अपान में टू कर लिया और ये अपान में टू करेंगे तो माइनस आई रूट थ्री एक्स अपान में टू इतना लिख लिया और पूरे ब्रैकेट से हमने वन बाई टू को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखें ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ई टू द माइनस एक्स बाई टू भी कॉमन है तो ई की पावर ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू को भी कॉमन ले लें, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा तो ये बचा माइनस वन प्लस आई रूट थ्री और ई की पावर इतना बचेगा सिर्फ आई रूट थ्री एक्स बाई टू और प्लस माइनस माइनस वन और माइनस आई रूट थ्री और ई टू द पावर माइनस आई रूट थ्री एक्स बाई टू। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको अब चेंज कर सकते हैं, इनका यूलर फार्मूले का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यूलर फार्मूले से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वन बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, यहाँ पर माइनस वन प्लस आई रूट थ्री को ऐसे लिखा रहने दें ऐसे ही, और यहाँ पर यूलर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू और प्लस आई साइन रूट थ्री एक्स बाई टू। यूलर फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई टू दी पावर, दो फार्म में होता है तो प्लस वाला पहले लिख दे रहे हैं कि पावर आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड और ये तो प्लस वाला फार्मूला है, और ई टू दीवार माइनस आई जेड इसका इसी में कंजुगेट प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करें तो कॉस जेड माइनस आई साइन जेड ये दूसरा फार्मूला है तो इसका भी यूज़ हमें यहाँ पर करना होगा। तो इस टर्म को ऐसे लिख दें यानी माइनस वन माइनस आई रूट थ्री और इसको में यूलर फार्मूला अप्लाई कर दें, यूलर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू और माइनस आई, बाकी चीज़ चेंज नहीं होगी यानी साइन रूट थ्री एक्स बाई टू। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आता है, वन बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू तो प्रूफ करना उसमें आ रहा है तो इसको तो लिखा रहने दें, माइनस वन का में इंटू कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस का कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू प्लस आई इंटू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू और इसका इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो आई रूट थ्री इंटू कॉस सॉरी आई रूट थ्री कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू इसका इंटू इसमें किया तब आया और इसका इंटू इस बारे में करेंगे तो ये आई स्क्वायर मिलेगा और इन रूट थ्री इंटू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू। तो अभी सिर्फ हमने इन दोनों ब्रैकेट का इंटू किया और उसको यहाँ पर लिखा है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स का भी आपस में इंटू करना है यानी माइनस वन का इंटू करना है इसमें तो मिलेगा माइनस का कॉस ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू और इस माइनस वन का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई ऑफ साइन ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू। ये खुद भी लिखते चलें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पास पास हो गया दिक्कत आ रही होगी, खुद से लिख के चलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका इंटू इन दोनों टर्म में और रह गया इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का आई रूट थ्री इंटू कॉस ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू, अब इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और रूट थ्री का इंटू हो जाएगा साइन ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू।
आप देखिए कुछ टर्म हो सकता है कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए और कुछ टर्म डबल होके जुड़ भी जाए, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि इस टर्म को हम देख रहे हैं कि ये प्लस का है आई रूट थ्री कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू और इतना ही आई रूट थ्री कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू माइनस का है, तो ये प्लस माइनस टर्म एक टर्म तो ये कैंसिल हो गया और टर्म तो लगता है कि ये एक जैसे आ रहे हैं बिल्कुल, तो जुड़ जाएंगे डबल हो जाएंगे और ऐसे टर्म और भी हैं। देखिए एक ये भी ट्वाइस हो रहे हैं, तो कुछ टर्म जो होंगे वो कैंसिल होंगे और कुछ टर्म ऐड हो जाएंगे, तो इनका साइन जो है वो हमें चेक करना होगा, हो सकता है साइन में कुछ गड़बड़ी आ रही हो। माइनस वन का जब इतने इंटू होगा तो ये दोनों ही माइनस आएंगे, ये गलती आ रही देखिए, तो ये माइनस का होगा क्यों माइनस वन है ये और इसका इंटू होगा तो दोनों ही टर्म माइनस होंगे, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इस वाले टर्म से क्योंकि ये सेम है लाइक टर्म है, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस इसे माइनस का लीजिए और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी टर्म है वो डबल हो गए हैं बचे हुए, तो उनको देखते हैं कि ये दोनों ही माइनस के हैं और टू टाइम्स हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों भी टू टाइम्स हो जाएंगे, तो इनको हम लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है बस उसी वैल्यू को हम लिख रहे हैं, वन बाई टू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू और ब्रैकेट में देखिए माइनस का टू टाइम्स हो गए थे कॉस ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू और प्लस टू टाइम्स हो गए थे आई स्क्वायर, देख लेते हैं इसको पीछे ये वाला टर्म आई स्क्वायर रूट थ्री और रूट थ्री था और इंटू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स वाई टू ये वैल्यू थी, तो यहाँ पर वन बाई टू है, टू को इस ब्रैकेट में से कॉमन ले लेंगे यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू और ये माइनस हो जाएगा कॉस रूट थ्री एक्स बाई टू, ये टू चला गया था बाहर, ये भी टू बाहर हो गया था और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है रूट थ्री इंटू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू, यहाँ से माइनस इन दोनों में से बाहर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू और ये दोनों अब प्लस हो जाएंगे कॉस ऑफ रूट थ्री एक्स बाई टू और प्लस रूट थ्री इंटू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स बाई, ये हमको प्रूव करना था और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखर दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।